हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे जॉर्ज एस कार्लसन की बुक द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन की समरी शेयर करने जा रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप बचत करने की आदत को डेवलप कर पाएंगे। पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो से फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं। प्राचीन बेबीलोन में अरकाद नाम का बहुत अमीर आदमी रहता था। वह दिल खोल कर दान देता था और खुले हाथों से खर्च करता था, पर फिर भी हर साल उसकी दौलत बढ़ता रहता था। वहीं उसके बचपन के दोस्त अभी भी गरीब थे। एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा कि तुम इतने अमीर हो और हम आज भी गरीब हैं, पर एक समय था जब हम एक जैसे थे, तो तुम इतने अमीर कैसे बन गए। इस पर अरकाद ने कहा कि अगर तुम लोगों को पैसे की दिक्कत आ रही है तो इसका कारण यह है, तुम लोग दौलत इकट्ठी करने के नियम को नहीं जान पाए हो, और यही नियम मैंने अल्गमिस्ट से सीखा था जिससे मैं अमीर बन पाया। अल्गमिस्ट ने मुझे बताया था कि जिंदा रहने के लिए हम सबको पे करते हैं। ग्रोसरी शॉप वाले को, टेलर को, मोची को और भी कई ऐसे लोगों को हमें पे करना पड़ता है जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, पर हम खुद को कभी पे नहीं करते, इसीलिए हम गरीब बने रहते हैं। अल्गमिस्ट ने मुझे बताया था कि हमें अपने कमाई का एक हिस्सा खुद रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जल्द ही दौलत की राह पर आगे पहुंच जाएंगे। चाहे हमारी कमाई कितनी ही कम क्यों ना हो, पर हमारी बचत हमेशा हमारे सैलरी का 10% होना चाहिए। इससे ज्यादा आप जितना बचा सकते हैं। पहले खुद को पे करो और बची हुई कमाई से अपना खर्च चलाओ। इसके बाद अल्गमिस्ट ने मुझे बताया कि अपने बचत को इन्वेस्ट करो और इन्वेस्ट करने से पहले उस क्षेत्र के जानकार से सलाह लो। इससे आपका पैसा कई गुना बढ़ता रहेगा। इसके बाद अरकाद ने अमीर बनने के 7 सीक्रेट अपने दोस्तों को बताया। नंबर 1, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें, यानी कि अपना बैंक बैलेंस बढ़ाएं। अपने पर्स में डाले गए 10 सिक्कों में सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकालें। जब आप अपनी सिर्फ 90% आमदनी ही खर्च करेंगे तो जल्दी ही आपका पर्स मोटा होने लगेगा। मैंने भी इसी तरह शुरुआत की थी। पहले मेरा पर्स भी हमेशा खाली रहता था और इसे मैं कोसा करता था, क्योंकि इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए धन नहीं रहता था। लेकिन जब मैंने अपने पर्स में 10 सिक्के डालकर सिर्फ 9 सिक्के बाहर निकालना शुरू किया तो यह भारी होने लगा। इस उपाय पर चलने से आपका पर्स भी भारी हो जाएगा और आपको भी बचत की आदत पड़ जाएगी। अरकाद कहते हैं, अगर आप किसी डलिया में हर सुबह 10 अंडे रखो और हर शाम इसमें से 9 अंडे निकालो तो कुछ समय बाद क्या होगा? जाहिर सी बात है, वह डलिया पूरी तरह भर जाएगी। और यही नियम आपकी बचत पर भी लागू होता है। नंबर 2, खर्च को नियंत्रित करें। अरकाद ने कहा कि हमारे आवश्यक खर्च हमेशा हमारी आमदनी के अनुपात में बढ़ते रहेंगे जब तक इन्हें रोकने की कोशिश ना करें। आवश्यक खर्च और अपनी इच्छाओं के बीच के फर्क को नजरअंदाज ना करें। आपकी आमदनी से आपकी जितनी इच्छाएं संतुष्ट हो सकती है, आपकी और आपके परिवार की इच्छाएं उससे कहीं ज्यादा होती है। उन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए आमदनी कम पड़ जाती है और बहुत सी इच्छाएं ऐसी रह जाती है जो संतुष्ट नहीं हो पाती। अपनी जीवन शैली और खर्च की आदतों के बारे में अच्छी तरह सोचें। ऐसा करने पर आपको कुछ ऐसे खर्च जरूर मिलेंगे जिन्हें कम या खत्म किया जा सकता है। ये लक्ष्य बना लें कि आप जो भी सिक्का खर्च करें उसके बदले आपको 100% संतुष्टि मिले। इसीलिए आप जिन चीजों के लिए खर्च करना चाहते हैं उन्हें लिखें। सिर्फ आवश्यक चीजों को चुनें। इसके अलावा सिर्फ उन्हीं चीजों को चुनें जो आपकी 90% आमदनी में संभव हो। बाकी सब चीजों को उन्हें अपने असीमित इच्छाओं का हिस्सा मान लें जो संतुष्ट नहीं होगी। फिर अपने आवश्यक खर्च का बजट बना लें। आपकी बजट अंधेरी गुफा में चमकती मशाल की तरह आपको दिखता है। आपके पर्स में कहां छेद हो रहे हैं उन छेदों को सिलने में आपकी मदद करता है। बजट आपके खर्च को इस तरह से नियंत्रित करता है ताकि आप सिर्फ निश्चित और संतुष्टिदायक उद्देश्यों के लिए ही खर्च करें, ताकि आपके पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा रहे और आप 90% आमदनी में ही आपके बाकी महत्वपूर्ण इच्छाओं का आनंद ले सकें और उन्हें संतुष्ट कर सकें। नंबर 3, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। अरकाद ने बताया कि पर्स में रखा धन अच्छा लगता है और कंजूस आदमी को संतोष देता है, परंतु यह आमदनी को बढ़ाता नहीं है। अपनी आमदनी में से धन बचाना तो सिर्फ शुरुआत है, और उस बचत से जो आमदनी होगी उसी से हम दौलतमंद बनेंगे। दौलत पर्स में खनखना रहे सिक्कों से नहीं बनती है, दौलत तो निवेश से प्राप्त आमदनी से बनती है। हर इंसान यही चाहता है कि उसके पर्स में लगातार आमदनी आता रहे, भले वह मेहनत करे या कहीं सैर सपाटे पर चला जाए।
आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक किसान ने अपने पुत्र के जन्म पर साहूकार के पास चांदी के 10 सिक्के ब्याज पर जमा करा दिए। उसने साहूकार से कहा कि जब उसका पुत्र 20 साल का हो जाए तो वह मूलधन को सूद सहित लौटा दे। साहूकार हर 4 साल में 25% ब्याज देने के लिए तैयार हो गया। किसान ने साहूकार से कहा कि वह ब्याज को भी मूलधन में जोड़ता रहे। जब वह लड़का 20 साल का हुआ, साहूकार ने बताया कि चूंकि उसकी रकम चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रही थी, इसलिए उसने चांदी के जो 10 सिक्के जमा किए थे वे अब बढ़कर 30.5 सिक्के हो गए हैं। चूंकि उसके पुत्र को अभी धन की जरूरत नहीं थी, इसीलिए उसने वह धन साहूकार के पास ही रहने दिया। जब पुत्र 50 साल का हुआ तो साहूकार ने हिसाब चुकता करते हुए उसके पुत्र को चांदी के 175 सिक्के दिए। कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से किसान का धन लगभग 17 गुना बढ़ गया। तो दोस्तों, खाली पर्स का तीसरा इलाज है, हर सिक्के से मेहनत करवाते रहें जब तक कि यह और सिक्के पैदा न कर दे, और सुनिश्चित करें कि हर सिक्के का निवेश आपको आमदनी देता रहे और धन का धारा लगातार आपके पर्स यानी बैंक में भरकर आती रहे। नंबर 4, अपनी पूंजी की रक्षा करें। निवेश का पहला दमदार सिद्धांत है आपके मूलधन की सुरक्षा। अगर मूलधन के चले जाने का खतरा हो तो क्या ज्यादा कमाई के लालच में पड़ना समझदारी है? मुझे तो इसमें जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। अगर आप इतना बड़ा जोखिम उठाते हैं तो उसकी सजा ये होगी कि शायद आप अपना मूलधन भी गंवा दें। आपकी जमा पूंजी का निवेश करने से पहले सावधानी से जांच पड़ताल करें। पहले पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाएं कि आपकी पूंजी सुरक्षित लौट आएगी। फटाफट अमीर बनने के चक्कर में गलत दिशा में ना चले जाएं और अति आत्मविश्वास में आकर अपनी पूंजी ऐसी जगह पर निवेश ना करें जहां उसके डूबने का खतरा हो। बेहतर यह होगा कि आप अपने धन के प्रबंधन में अनुभवी लोगों की समझदारी भरी सलाह लें। यही खाली पर्स का चौथा इलाज है, क्योंकि यह पर्स के भर जाने के बाद उसे खाली होने से बचाता है। इसीलिए आपकी जमा पूंजी को नुकसान से बचाएं और सिर्फ वही निवेश करें जहां आपका मूलधन सुरक्षित रहे, जहां आप जब चाहे इसे दोबारा वापस पा सके और जहां आपको उचित ब्याज लगातार मिलता रहे। नंबर 5, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। आर्कद ने 5वां सबक सिखाते हुए कहा कि इंसान अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा इसलिए अलग रखता है ताकि वह भविष्य में जीवन का आनंद ले सके। अगर वह अपनी आमदनी से बचे 90% में भी कुछ बचा ले और उसका लाभकारी निवेश करे तो उसका खजाना और तेजी से बढ़ेगा। आर्कद कहते हैं कि हर आदमी का अपना खुद का मकान होना चाहिए जिसमें वह और उसका परिवार रह सके। गृह स्वामी बनने वाले व्यक्ति को बहुत से लाभ होते हैं। इससे उसका खर्च भी बहुत कम हो जाता है, जिससे उसकी आमदनी का अधिक हिस्सा उसकी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए उपलब्ध होता है। और यही खाली पर्स का 5वां इलाज है, अपने घर के मालिक बने। नंबर 6, भावी आमदनी सुनिश्चित करें। भविष्य के लिए धन सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इंसान घर या जमीन खरीद सकता है। अगर समझदारी से घर या जमीन को चुना जाए ताकि भविष्य में उसकी उपयोगिता तथा मूल्य में वृद्धि हो तो ऐसा करना लाभकारी है। भविष्य में इस जायदाद को बेचकर अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा इंसान नियमित रूप से बैंक में छोटी छोटी राशियां जमा करके अपने धन को बढ़ा सकता है। जब नियमित रूप से जमा करने पर छोटी राशि इतने लाभकारी परिणाम देती है तो किसी व्यक्ति का व्यवसाय या निवेश कितना ही समृद्ध हो, उसे यह व्यवस्था कर लेना चाहिए कि उसके बुढ़ापे और परिवार की रक्षा के लिए पर्याप्त दौलत हो। संसाधनों का लाभ उठाकर अपने लक्ष्य को हासिल करने के दूसरे तरीके खोजना चाहिए। इसी वजह से मैं सब लोगों को सुझाव देता हूँ कि वे अच्छी तरह सोच समझकर समझदारी पूर्ण तरीके से अपने बुढ़ापे के लिए धन की व्यवस्था कर ले, क्योंकि जब कोई आदमी कमा नहीं सके या जब परिवार का मुखिया चला जाए तो खाली पर्स बहुत दुख का कारण बन जाता है। तो खाली पर्स का 6वां इलाज है, अपने बुढ़ापे और अपने परिवार की रक्षा के लिए पहले से ही व्यवस्था कर ले। नंबर 7, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाए। उपलब्धि से पहले उसकी इच्छा होना चाहिए। आपकी इच्छाएं प्रबल और निश्चित होना चाहिए। समान इच्छाएं सिर्फ कमजोर चाहत होती है। अगर किसी इंसान में सिर्फ अमीर बनने की चाहत है तो उसे कोई फायदा नहीं होगा, परंतु जिस व्यक्ति में 5,000 कमाने की इच्छा है उसकी इच्छा निश्चित है और वह उसे पूरा कर सकता है। जब वह इसे हासिल करने के लिए लक्ष्य की शक्ति का प्रयोग करेगा और सफल हो जाएगा तो अगली बार वह 10,000 कमाने के लिए उन्हीं तरीकों का प्रयोग कर सकता है, फिर 20,000 के लिए और बाद में 1,00,000 के लिए, और देखते ही देखते वह अमीर बन जाएगा। अपनी एक निश्चित छोटी इच्छा को पूरी करना सीख कर उसने बड़ी इच्छा पूरी करने का प्रशिक्षण पा लिया। इसी प्रक्रिया से दौलत हासिल की जाती है, पहले छोटी राशि फिर उससे बड़ी राशि, जब तक कि इंसान सीख कर ज्यादा सक्षम नहीं बन जाता। हमारे पास जितना ज्ञान होता है हम उतना ही ज्यादा कमा सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी कला में ज्यादा निपुणता हासिल करने की कोशिश करता है उसे उसके अच्छे पुरस्कार मिलते हैं। अगर वह कारीगर है तो वह अपने व्यवसाय के सर्वाधिक योग्य व्यक्ति से सीख सकता है।
अगर वह कानून या उपचार के क्षेत्र में मेहनत करता है तो वह अपने व्यवसाय के बाकी लोगों से विचार विमर्श कर सकता है या उनकी सलाह ले सकता है। अगर वह व्यापारी है तो वह लगातार अच्छी चीजों की तलाश कर सकता है जिन्हें कम कीमत पर खरीदा जा सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।